विराट कोहली को ऋषभ पंत पर क्यों आया गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा और आखिरी वनडे मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारतीय टीम को 4 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है। भारतीय टीम को इस सीरीज में 3-0 की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में कोई भी मैच जीत नहीं पाई। टीम इंडिया के सामने तीसरे मैच में जीतने के लिए 288 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 283 रन के स्कोर पर ही सिमट गई और यह मुकाबला 4 रन से हार गई। मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौटे। पंत जब बैटिंग के लिए आए तब टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन था और टीम को ऋषभ पंत से विराट कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन पंत ने एडिंगलिक फ्लुकवायो की गेंद पर क्रीज से 2 कदम आगे निकलकर पहली ही गेंद पर पॉइंट पर शॉट मारने की कोशिश की और ये शॉट लगाने के चलते ऋषभ पंत मगाला को आसान सा कैच थमा बैठे। पंत के विकेट गिरने के बाद विराट कोहली उन्हें काफी गुस्से में घूरते हुए नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत के पहली ही गेंद पर आउट होने के बाद विराट कोहली काफी हैरान नजर आए और दूसरे छोर पर खड़े वे काफी देर तक पंत को घूरते रहे। वाकई में पंत बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर मैदान से बाहर लौटे। पूरी सीरीज में पंत के बल्ले से 3 पारियों में 33.67 की औसत से कुल 101 रन देखने को मिले। पहले मुकाबले में उन्होंने 17 और दूसरे में 85 रनों की पारी खेली। खैर, भारतीय टीम को यह मुकाबला 4 रन से गंवाना पड़ा और दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारतीय टीम पर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। इस मैच में कोहली फिर से गुस्से में नजर आए और इस बार उनके निशाने पर पंत थे, जब पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए और इसी के चलते भारत को इस मैच में हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर पंत ने विराट कोहली के साथ एक बड़ी साझेदारी की होती तो शायद भारत ये मैच जीत भी सकता था। खैर, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स। We'll be right back.